सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए बेसिकली ए आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज वाइट हैट ए एंड सेकंड वन इज ब्लैक हैट ए अब वाइट हैट ए क्या होता है द वाइट हैट ए फॉलो द रूल्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ द सर्च इंजन। एस सी रिफर्स टू एनी प्रैक्टिस दैट मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ योर वेबसाइट and staying within the search engine's terms of service. वाइट हैड ए सी यू एक ऐसी प्रैक्टिस है एक ऐसा टेक्निक है जिसको आप करने से पहले सर्च इंजन के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है मतलब जब भी आप ए सी यू की कोई भी टेक्निक अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले आपको गूगल के या किसी अदर सर्च इंजन के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है मतलब उसने अपना कुछ रूल्स बना रखा है उस उसका अपना एक टर्म्स है कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो देन मैं आपके वेबसाइट को अपने अंडर सही तरीके से रैंक कराने में वो आपकी मदद करता है ये होता है वाइट हैट एस दूसरा ब्लैक हैट एस सी ओ these practices are against the search engine terms of service and can result in the site being banned from the search engine. Black hat SEO technique, black hat SEO technique वो होता है जिसमें आप इसके rules and regulation को follow नहीं करते, उसके अगेंस्ट काम करते हो और इस चीज का benefit आपको थोड़ा समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में वो आपके साइट को बैन कर देता है वो स्पैम में डाल देता है तो हम लोग जो ए करते हैं वो होता है वाइट हैट ए मतलब उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होता है दोनों में डिफरेंसेस एक्चुअल क्या है कि आप गलत तरीके से इंट्री करते हो एक जगह एक आपको सही तरीके का तरीके से इंट्री करना पड़ता है दोनों में आपको यही डिफरेंस होता है मेन चीज़ आप ये समझ लो सपोज़ करो कि मुझे किसी अननोन पर्सन के यहाँ जाना है उसके घर में इंट्री लेने है, लेना है तो क्या करोगे आप सबसे पहले उसका परमिशन लोगे तभी वो अगर वो आपको परमिशन दे देता है तब आप इंटर करते हो तो वह वो एक लेजमेट मतलब वैलिड हुआ कि हाँ मैंने आपको परमिशन दिया तब आप मेरे यहाँ आए दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी के घर में चोरी छुपे या फोर्स फोर्सली आप घुस जाते हो तो वो एक गलत तरीका माना रॉन्ग वे माना जाता है उसको यही होता है ब्लैक हैड ए और वाइट हैड ए में डिफरेंस वाइट हैड ए के कुछ टाइप्स होते हैं एक्चुअल में तीन प्रकार के वाइट हैड ए होता है पहला होता है ऑन पेज ए दूसरा होता है ऑफ पेज ए और तीसरा होता है टेक्निकल ए सी यू अब ऑन पेज एस क्या होता है ऑफ पेज एस क्या होता है टेक्निकल एस क्या होता है इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूँ ऑन पेज एस होता है कि आपने कोई एक वेबसाइट बनाई उसके पीछे की जो कोडिंग हुई उस कोडिंग के अंदर हेड मेटा हेड टैग के अंदर हेडर हेड जो, जो टैग होता है स्टीमल का जो हेड टैग होता है उसके अंदर जाके कुछ चीज़ें आपको उसके अंदर आ, बनाना पड़ता है वो टैक्स बनाने पड़ते हैं जैसे कि टाइटल हो गया मेटा टाइटल हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया कैनोनिकल टैग हो गया मेटा रोबोट टैग हो गया ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाके आपको कुछ टैक्स बनाने पड़ते हैं और उसको आप साइट के ऊपर रखते हो जैसे गूगल सर्च कंसोल का कोड हो गया एनालिटिक्स का कोड हो गया ये सारे ऑन पेज में आते हैं मतलब आपको अपने ही वेबसाइट के अंदर जाके ये चीज़ करनी पड़ती है दूसरा ऑफ पेज ए सी ऑफ पेज ए सी ओ में क्या होता है कि जो आपका लिंक होता है मान लीजिए कि मेरा लिंक कोई भी वेबसाइट है एस टी टी पी एस डॉट गूगल डॉट कॉम को ही मान लेते हैं आपको मैं समझा दूँ गूगल डॉट कॉम को ही मान लेते हैं तो गूगल डॉट कॉम एस टी टी पी एस गूगल डॉट कॉम ये पूरा लिंक आप किसी और साइट के थ्रू जा किसी और साइट पे जाके आप प्रमोट करते हो वो होता है ऑफ पेज ए और टेक्निकल ए टेक्निकल ए में कुछ चीज़ें जो आपके साइट के जैसे आपने मान लीजिए गूगल सर्च कंसोल पे काम कर रहे हो उसके अंदर कोई भी पेज इंडेक्स इन, इन, नहीं हो पा रहा है या क्रॉलिंग का एरर आ रहा है ये बहुत सारी चीज़ें होती फोर जीरो फोर कोई लिंक काम नहीं कर रही ये ये सब चीज़ें टेक्निकल ए मैं आपको पूरे का पूरा डिटेल मैंने आपको पहले भी बोल रखा है पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा अभी मैं आपको सिर्फ डिफिनेशन बता रहा हूँ आज तक मैंने जीओ स्टार्ट किया है आपको समझाने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ थैंक्स लॉट